नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। बुला रही हूं। आई मामा। लो बस मामा पूरा पी जा। शाबाश मामा, मैं फूलों को पानी देती हूँ। अच्छा सुनिए, बुलबुल की सारी दवाइयां खत्म होने को आई। अच्छा, शाम को दफ्तर से आते समय डॉक्टर साहब के पास से लेते आइएगा। अच्छा, भगवान करे और बुलबुल के दिल के छेद दवाइयों से ही ठीक हो जाए, ऑपरेशन की नौबत ना आए। आखिर डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कह भी क्या सकते हैं, इलाज ही कर सकते हैं। भगवान को ऐसी बीमारी देनी थी तो मुझे ही दे देता, मासूम बुलबुल को क्यों। सुनो, बरखा और बसंती आ रही है, उनके सामने कुछ मत बोलना। आ गए तुम दोनों? Yes, papa, on time. Right on time. हाँ भाई, तो हमें ये बताइए कि गर्मी की छुट्टियों में हमारे तीनों बेटे कहाँ घूमने चलेंगे? गर्मी की छुट्टियों में? हाँ? वाह पापा, गर्मियों में तो लोग शिमला घूमने आते हैं और हम शिमला छोड़ के कहीं और जाए? नो पापा नो, मैं तो जा ही नहीं सकती। क्यों? मुझे तो इन्हीं छुट्टियों में डांस की प्रैक्टिस करनी है पापा। और मुझे पियानो की प्रैक्टिस करनी है, और मुझे कराटे की, समझे पापा। तो हमारे बेटे कहीं नहीं जाएंगे, क्यों? पापा आप और मामा घुमाइए ना। नो, हम अपने बेटों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पापा आप बड़े झूठे हैं। ऐसे अभी कह रहे थे कहीं नहीं जाएंगे और अब मोटर बाइक पे बैठ के चल दिए। चल शैतान, अभी तो दफ्तर जाना है। बाय। हेलो डॉक्टर, किसके पेपर देख रहे हो? एक लापरवाह आदमी के, जिसे दुनिया भर की फिक्र है, खुद अपनी। तब तो उस आदमी का जीना कारगर हो गया डॉक्टर।
जो अपने लिए नहीं औरों के लिए जी रहा हो। अपने लिए भी तो जीना सीखो गोपाल। अच्छा तो ये गोपाल चोपड़ा के फेफड़े हैं? हाँ, इन फेफड़ों में बढ़ता हुआ कैंसर कभी भी तुम्हारी सांसों को रोक सकता है। अब तुम मान जाओ गोपाल, जल्द से जल्द बॉम्बे के हॉस्पिटल में चले जाओ। देखो वर्मा, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं बच्चों से दूर नहीं रह पाऊंगा। मेरी बात मान लो गोपाल, वरना तुम्हारी पत्नी और बच्चियों को मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में बताना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर, अगर तुमने बता दिया तो मेरे परिवार पर बहुत बड़ा अत्याचार हो जाएगा। मेरे मौत के लटकते साए में आशा एक टूटे पत्ते की तरह बेसहारा हो जाएगी। बसंती और बरखा जो नदियों की तरह छलकती रहती है सूख जाएंगे, और मेरे बुलबुल जो 24 घंटे चहकती रहती है हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। नहीं डॉक्टर, मैं मरने से पहले नहीं मरना चाहता, मैं मौत के आने तक जीना चाहता हूं। घबराओ नहीं गोपाल। मैं घबराता नहीं डॉक्टर, मेरे लिए तो दो ही सच्चाइयां हैं, एक है मेरी मौत और दूसरी मेरे परिवार की जिंदगी। मेरे बुलबुल का क्या होगा? तुम बुलबुल की चिंता मत करो गोपाल, बेफिक्र होकर बंबई चले जाओ। हॉस्पिटल में मेरे दोस्त डॉक्टर बिलमोरिया हैं, उन्हें लिख देता हूं। रही बुलबुल की बात, तो उसके दिल की बीमारी के इलाज जिस तरह हम उसे बिना बताए दवाइयां देकर कर रहे हैं करते रहेंगे। हाँ, अगर दवाइयों से उसके दिल का छेद नहीं भरा तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ऑपरेशन कब? करीब 6 महीने के बाद। ये दिल तो बुलबुल के लिए ही धड़कता है डॉक्टर, इसे निकाल कर उसके लगा दो। परेशान मत हो गोपाल, बुलबुल की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। डॉक्टर चाहे जो कुछ हो जाए, कैंसर की कोई भी स्टेज हो, बुलबुल के ठीक होने तक मैं जिंदा रहूंगा। मैं कल ही बॉम्बे जाने की कोशिश करता हूं। गुड, दैट्स लाइक गोपाल चोपड़ा। थैंक यू डॉक्टर। मिस्टर चोपड़ा, आप तो कहते थे कि आप अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकते। मैं बच्चों के खातिर ही बंबई जाना चाहता हूँ सर। आप मेरा ट्रांसफर कर दीजिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मैं चाहता था कि आप बंबई ऑफिस का चार्ज ले लें। एक बात बताइए, कल आप बंबई जा सकते हैं? कल? यस सर, आई कैन सर। वेरी गुड। या तो बहुत खुश है या बहुत परेशान, एक सिगरेट एस्ट्रे में और दूसरी मुंह में, क्या बात है? मैं जा रहा हूं आशा। जा रहे हो? कहां? बहुत दूर, तुम सबसे दूर। पहले मत पूछो, क्या बात है? डर गई ना? अरे मेरी तरक्की हो गई है, मैं बॉम्बे ऑफिस का मैनेजर हो गया हूं और मुझे कल ही बंबई जाना है। कल ही? अरे हमने तो सोचा था मुबारकबाद दोगी। लेकिन लगता है हमारी तरक्की से तुम्हें खुशी नहीं हुई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तो फिर बच्चों का ख्याल आ गया। बसंती और बरखा तो समझदार हैं, लेकिन बुलबुल आप तो जानते हैं उसे जरा भी सदमा नहीं लगना चाहिए। मैं जानता हूं आशा, लेकिन हमारे बच्चे इतने कमजोर नहीं हैं। देखना खुशी खुशी मुझे विदा करेंगे। लेकिन तुम तो मुस्कुराओ, न जाने फिर कब तुम्हारी यह मुस्कुराहट नसीब होगी। मुस्कुराओ ना, मुस्कुराओ। मान लो हमारे घर में एक परी आ जाए और वो तुम सबसे पूछे कि तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है, तो तुम क्या मांगोगे? लेकिन परी है कहाँ पापा? हाँ पापा, परी है कहाँ? परी, हाँ
ये लो, आ गई तुम्हारी परी मां। अब मांगो क्या मांगना है। अच्छा बुलबुल पहले तुम मांगो। मैं छोटी हूं ना पापा, इसलिए एक नहीं दो चीजें मांगूंगी। दो मांगो। परी मां, एक तो मैं बहुत बड़ी पियानो प्लेयर बनना चाहती हूं, और दूसरी चीज मुझे बड़ा सा पियानो चाहिए। ये पियानो बड़ी गड़बड़ करता है। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी बेटी। अब तुम्हारी बारी है बरखा, मांगो क्या मांगना चाहती हो। परी मां, मैं दुनिया की बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती हूँ। तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी। नाउ मिस्टर बसंत। पापा आपने ठीक ही कहा है। क्या? दीदी को अपने नाम के आगे मिस नहीं मिस्टर लगाना चाहिए। हमारी दीदी किसी लड़के से कम नहीं है। अच्छा मांगो बेटा, क्या मांगना चाहते हो? परिमा, हमारे समाज में बेटी को एक बोझ समझा जाता है। मैं ये साबित कर देना चाहती हूँ कि बेटी किसी बेटे से कम नहीं होती। तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी। तुम सबको तो परिमा ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन अब तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं हमारे भी सपने हैं, और शायद इसीलिए भगवान ने मेरी तरक्की कर दी। आज मैं अपने कंपनी की बंबई ऑफिस का मैनेजर बन गया हूं, और इसीलिए आज मुझे बंबई जाना है। नहीं पापा नहीं, मुझे कोई पियानो नहीं चाहिए, कोई सपना नहीं पूरा करना, मुझे सिर्फ पापा चाहिए। मामा पापा को बंबई मत जाने दो, पापा को रोक लो मामा, पापा को रोक लो। बुलबुल ठीक कह रही है पापा, हम आपके बिना नहीं रह सकते पापा। तो ठीक है, अगर तुम लोग नहीं चाहते तो पापा नहीं जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। थैंक यू पापा, हाउ स्वीट ऑफ यू पापा। लेकिन बुलबुल डार्लिंग, बरखा और बसंती के सपने भी तो हमारे सपने हैं ना। हाँ। तो क्या तुम चाहती हो उनके सपने अधूरे रह जाए। नहीं पापा। क्या तुम चाहती हो पापा ने ऑफिस में जो वादा किया है वो पूरा ना हो। नहीं पापा। तो क्या है, तुम्हें अच्छा लगेगा अगर लोग मेरे बच्चों को कमजोर कहे और मेरी बदनामी हो जाए। नहीं पापा नहीं, आपकी बदनामी नहीं होनी चाहिए। तब तो मुझे जाना होगा ना। हाँ। अगर ऐसा है बुलबुल बेटे, तो आप हमें खुशी खुशी विदा करेंगे, रोएंगे ना? नहीं। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। मिस्टर बसंती तो नहीं रोएंगे, कभी नहीं रोएंगे, क्यों? नहीं रोएंगे पापा। और तुम? नहीं रोएंगे पापा। गुड, तो आप सब लोग हमें खुशी खुशी विदा करेंगे ना। यस पापा। थैंक यू। अरे भाई कौन कहाँ जा रहा है बिना मुझसे राय लिए? नमस्ते दीदी, नमस्ते। हाँ खुश रहो खुश रहो। मैं जा रहा हूँ बम्बई। हाय राम, बम्बई इतनी दूर और बिना मुझसे राय लिए? आंटी इस बार पापा ने हमसे राय ले ली है। अरे तू चुप रहना। देव गोपाल, तू मुझे मुंह से दीदी कहता है लेकिन दिल में दीदी नहीं मानता। अगर दिल से दीदी मानता तो मेरी राय जरूर लेता। नहीं दीदी, मैं तो तुम्हें सगी दीदी से ज्यादा मानता हूँ। अब खुशामद न करना, अब भी कहती हूँ कि मेरी राय ले ले। ट्रेन किसी की राय से नहीं घड़ी से चलती है आंटी, पापा को देर हो रही है। अच्छा गोपाल भैया जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बंबई में किसी राय की जरूरत है तो चिट्ठी लिख के पूछ लेना। हाँ। अच्छा अच्छा, अपना और बच्चों का ख्याल रखना, मेरी चिंता मत करना। याद आ रही है ना? हाँ। बुलबुल, हमने पापा को प्रॉमिस दिया है हम रोएंगे नहीं, अगर हम रोए तो हमारा प्रॉमिस झूठा हो जाएगा। दीदी आज मामा अकेली हो गई ना, मैं मामा के पास जाके सो जाऊं? हाँ बुलबुल जाओ।
क्या बात है बुलबुल? मामा, पापा की बहुत याद आ रही है। अरे बेटी, तू तो पापा की बहादुर बेटी है ना? हाँ। रोते नहीं। अच्छा मामा, मैं आपके पास सो? हाँ, सो जा। आजा। मामा मामा, हमारे पड़ोस में इतना बड़ा पियानो आया है। अच्छा, उस बंगले में कौन रहने आया है मामा? पहले तो वहाँ कोई नहीं रहता था। सुना है वो बंगला किसी बड़े आदमी ने खरीदा है, शायद वो ही आया होगा। बेटा बसंती। हाँ काकी। मुन्ने की तबीयत आज फिर खराब हो गई। ओह, जरा बाजार से ही दवा ला देना। अच्छा, अभी लाई। हेलो बसंती। समझ गई, फिर वही बात कहोगे ना कि बाल बेच दो। हाँ बसंती, तुम अपने बाल बेच दो, मैं इनकी विग बनाकर किसी और को बेच दूंगा तो उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी और तुम्हारी जेब गर्म हो जाएगी, है ना? मेरा कहा मानो, 400 रुपए ले लो। 4 लाख भी दोगे तब भी ये बाल नहीं बेचूंगी, समझे? भूल जाओ बात। क्यों मिस्टर, आते हुए नो एंट्री का बोर्ड नहीं दिखाई दिया क्या? दिखाई तो दिया था। फिर क्या करता, पेशे से मजबूर। पेशे से ड्राइवर हो क्या? जी नहीं, ड्राइवर होता तो कानून कभी नहीं तोड़ता। तो जाहिल हो जो गाड़ी नो एंट्री में ले आए और अब रास्ता रोक के बहस करते हो। अब बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, बहस करना ही मेरा पेशा है। वैसे जो रास्ते कानून बंद करता है उसे खोलने की आदत पड़ गई है। वकील बहस नहीं करेगा तो खाएगा क्या? क्यों? बकवास बंद कीजिए और गाड़ी बैक कीजिए। ये मुमकिन नहीं है। क्यों? एक तो गलती करते हो, ऊपर से कहते हो मुमकिन नहीं। मैं कहती हूँ गाड़ी बैक कीजिए। और मैंने कहा ना मिस, ये मुमकिन नहीं है। वकील दलीलें दे सकता है, उन्हें वापस नहीं ले सकता, उसी तरह मेरी ये गाड़ी भी आगे जा सकती है, पीछे नहीं जा सकती। वापस जाएगी, आपको लेनी होगी। ओह सॉरी मिस, मैं और मेरी गाड़ी दोनों मजबूर हैं। मेरी आदतें खराब है और मेरी गाड़ी का रिवर्स गियर, ये बैक नहीं हो सकती, आप ही जरा वापस ले लीजिए ना। बहुत खूब, गलती आप करें और रास्ता मैं बदलूं। कभी कभी ऐसी खूबसूरत गलतियां हो जाती हैं मिस, जिससे गलियों के तो क्या, जिंदगी के रास्ते बदल जाते हैं। नहीं, ये किस बात की दलील है? रास्ता रोकने की। अब तो जी चाहता है कि रास्ता रोक ही लूं। शिमले में नए आए हो क्या? जानते नहीं। नहीं मिस, ये आप हाथ से क्यों बात कर रही हैं? मुंह से बात करिए ना। आप मुंह से बात करती हैं तो कितनी खूबसूरत लगती हैं। एक बार मुस्कुरा कर कह लीजिए रास्ता बदल दो। मुस्कुराइए ना। नहीं, मैं बदल लेता हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। दीदी आओ खेलते हैं। अभी कपड़े बदल के आई। ए कुत्ते, मेरा शरीफ कहाँ है? अरे मेरा शरीफ कहाँ? हेलो हेलो, सॉरी अंकल। सॉरी फॉर व्हाट? आपका कुत्ता हमारा शटलकॉक लेके भाग आया। ओह, मैं वो लेने आई हूँ। जस्ट ए मिनट। शैतान कहीं का। ये लीजिए। थैंक्स। आपकी तारीफ। जी मेरा नाम बुलबुल है। बुलबुल, कितना प्यारा नाम है। थैंक यू। हम आपके पड़ोस में ही रहते हैं। अच्छा अंकल, आप बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं। ओह, पसंद आया आपको? जी अंकल। लगता है आपको पियानो का बहुत शौक है। जी, फिर बजाइए ना। बजाऊं? हाँ हाँ।
खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका खुशबू देता है। खुशबू देता है सागर सावन देता है मधुबन खुशबू। खुशबू देता है सागर सावन देता है मधुबन खुशबू देता है। अजी अब तुम मुस्करा दो, इतनी अच्छी कविता सुनाई हमने आप। कविता सिर्फ कवि की कल्पना होती है, जीवन की सच्चाई नहीं। और सच्चाई तो यह है कि तुम मुझे छोड़कर 4 साल के लिए विलायत जा रहे हो। मगर वहां भी तो तुम्हारे लिए जा रहा हूं। मेरे लिए? वो कैसे? लीजिए, अरे 4 साल में बहुत बड़ा डॉक्टर बनकर आऊंगा, हमारे जीवन के सारे सपने पूरे होंगे, ढेर सा नाम कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, तुम्हारे लिए आलीशान मकान बनाऊंगा, बिल्कुल महल जैसा, जिसमें रानी बनकर रहा करोगी तुम। और अगर विलायत में कोई मेम साहब तुम्हारे दिल की रानी बन गई तो? आशा, मेरा दिल प्यार का एक मंदिर है, और मंदिर में मूर्ति की स्थापना सिर्फ एक बार होती है, बार बार नहीं। राज,
जब तक ये खत तुम्हारे हाथों में होगा मैं पराई हो चुकी होंगी। तुम्हारे जाने के कुछ ही दिन बाद बाबा को दिल का दौरा पड़ा। आशा, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। ऐसा ना कहिए बाबा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरी एक बात बनेगी। कहिए बाबा। चलेगी तो नहीं, मुझे पचन गए। ऐसी भी क्या बात है बाबा, आपका हुक्म मेरे लिए आशीर्वाद है। पीती रहो बेटी, मैंने तेरी शादी चांदलाल चोपड़ा के बेटे गोपाल चोपड़ा से पक्की कर दी है। हाँ बेटी, अगले हफ्ते शादी का मुहूर्त निकला। लेकिन बाबा, शादी की इतनी जल्दी भी क्या है, पहले आप ठीक तो हो जाइए। हाँ बेटी, तुझे दुल्हन देख मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा। तू खुश है ना? मुझे विश्वास है तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। आशा। बुलबुल, ये धुन किसने सिखाई आपको? हमारे मामा ने। आपकी मामा ने? जी अंकल। आप हमें अपनी मम्मी से नहीं मिलाएंगे? जरूर अंकल, चलिए। मामा, मामा। क्या है बुलबुल? यहाँ कैसे? बस गर्मियों की छुट्टियां गुजारे चला है यहाँ, और बुलबुल से मुलाकात हो गई। तो क्या आप ही हमारे नए पड़ोसी हैं? अजीब इत्तेफाक है ना? जी हाँ। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। अरे कमाल है, आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं? हाँ बेटी, जो धुन मैंने तुझे सिखाई थी ना, वो बरसों पहले मैंने इन्हीं से सीखी थी। अंकल, मामा को धुन पूरी नहीं आती, आप हमें सिखाएंगे? हाँ बेटे, जरूर सिखाएंगे। तो आज से आप मेरे पियानो सर हो गए? ऑफ कोर्स, मगर हमारी एक शर्त है, आपको हमारी फीस देनी होगी। फीस? मामा, इन्हें कितनी फीस देनी पड़ेगी? तुम खुद ही पूछ लो ना। पियानो सर, आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? रुपए नहीं बेटे, एक प्यारी प्यारी पप्पी रोज। एक नहीं, दो। अरे गॉड ब्लेस यू। आशा, बुलबुल वाकई बड़ी प्यारी बच्ची है। पियानो सर, अभी तो प्यारी प्यारी दो और भी है। दो और? आशा, उनको भी तो बुलाओ, हम भी तो जरा देखें। दीदी दीदी, यहाँ आओ। बुलबुल शटलकॉक मिल गया। शटलकॉक नहीं दीदी, पियानो सर मिल गए। बसंती, परखा, अंकल के पांव छू। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जीती रहो बेटी जीती रहो। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने तो आपके पैर ही नहीं छुए। माय लिटिल डार्लिंग। अरे भाई, इस घर में तो बसंत भी है, बरखा भी है, बुलबुल भी चहक रही है। तुम्हारा घर तो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है आशा। आशा, एक सीरियस बात कहूं? कहिए। तुम्हारे स्वर्ग में एक कप चाय मिल सकती है? आप बैठिए, मैं अभी बना लाती हूँ। हाय बिलू। कैसा है तू? फर्स्ट क्लास भाई। सफर कैसा रहा तेरा? बहुत अच्छा था। लेकिन भाई साहब, आपने मकान खरीदा या पहले से? अरे तो अपने राजा भैया के लिए झोपड़ा खरीदते हम हैं।
पसंद आया तुझे? ओ फैंटास्टिक। तो फिर एक काम कर, अब अपने लिए इस महल में एक रानी ले आ, और फिर भगवान की दया से एक नन्ना सा राजकुमार, एक मुन्नी सी राजकुमारी आ जाए, बस बन गई अपनी जिंदगी। भाई साहब, मैंने जब से होश संभाला है यही देखा है, आपने जब भी कुछ किया मेरे लिए, जब भी कुछ सोचा वो भी मेरे लिए, अपने लिए कुछ नहीं। बस बस बस, बहुत होगी तारीफ हमारी। अरे बिल्लू राजा, हम तो जिंदा इसलिए हैं कि तेरी खुशियां देख सके। यार बसंती, बचाओ मुझे मुसीबत से। अरे रोशनी, क्या हुआ? मेरे पीछे एक लड़का हाथ धो के पड़ गया है। अरे यार, तो चीज ही ऐसी है। अरे मजाक मत कर यार, तू ठीक कर दे उसको, कॉलेज आना जाना मुश्किल कर दिया है। अच्छा, कहाँ है वो? पर्स की दुकान पे खड़ा है। नीली शर्ट वाला? हाँ, अभी ठीक करती हूँ। I'm sorry, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? मजा आ गया दीदी, चलो लेट्स गो। दीदी, मामा को तो याद भी नहीं होगा कि कल उनका बर्थडे है। हम मामा को सरप्राइज देंगे, सब अपना अपना पॉकेट मनी खर्च करने को तैयार हो? हाँ दीदी। गुड, तो ऐसा बर्थडे मनाएंगे कि मामा को पापा की कमी महसूस न होगी। ओके दीदी, कम ऑन लेट्स गो। ओके। दीदी। अरे बुलबुल, बहुत देर कर दी तुमने। क्या करूं, मामा सोई तुम्हें चुप क्या पाई। बुलबुल ये देख कितना अच्छा है। हाँ। अच्छे ले, इन फुगों में हवा भर। अच्छा Bye.
मामा मामा, पापा का पार्सल और चिट्ठी आपके लिए। अच्छा। ये। प्रिय आशा, आज पहली बार तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हारे करीब नहीं हूँ। मुझे कैसा लग रहा है इसका अंदाजा तुम अच्छी तरह लगा सकती हो। हर समय हर पल तुम सबके प्यारे प्यारे चेहरे मेरी आंखों के आगे घूमते रहते हैं, जो मेरे अकेलेपन के साथी हैं। अरे वो आशा रानी, जन्मदिन मुबारक हो। ये ना तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ। धन्यवाद दीदी, इसकी क्या जरूरत थी? लो, जरूरत क्यों नहीं है। गुड मॉर्निंग आंटी। ये क्या गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अरे नमस्ते कर। नमस्ते। नमस्ते आंटी। जी पीरा। ये चिट्ठी किसकी है? पापा की। गोपाल अच्छा है ना? जी हाँ। तो उसने मुझसे कुछ राय पूछी होगी? आपको नमस्ते लिखा है। बस सिर्फ नमस्ते लिखा? अच्छा मैं चलती हूँ। दीदी आई हो तो ठहरो तो सही। अरे क्या ठहरू, मुझे राय देने से फुर्सत मिले तब मैं ठहरू, लेकिन मेरी राय कोई मानता ही नहीं। कल शाम मैंने कल्लू को राय दी कि बिल्ली को मत नहला मर जाएगी, लेकिन नहीं माना। सवेरे बैठा रो रहा था, बिल्ली मरी पड़ी थी। आंटी बिल्ली नहलाने से थोड़ी मर गई। हाँ। कल्लू ने तो उसे नहला कर निचोड़ दिया था, इसलिए मर गई। अरे नहलाता नहीं तो निचोड़ता कैसे? बुलबुल आंटी की राय में पॉइंट है। अरे वो पॉइंट वाली, मैं जल्दी से घर पहुंचा अपनी फटफटिया पर, पर फटाफट मत चलाना। बिल्कुल धीरे चलाऊंगी आंटी, आप ठहरिए मैं अभी कपड़े बदल के आई। अरे कपड़े बदलने की बीमारी हो गई है बार बार। सर्वर आज उस दिन की बेइज्जती का बदला ले ले। अरे तुमने फटफटिया रोक क्यों दी? आंटी मुसीबत कहाँ है मुसीबत, वो लड़के। अच्छा तो मैं मुसीबत को राय दे देती हूँ कि वो टल जाए। ये आपके राय से टलने वाली मुसीबत नहीं है, फिर इसे तो मैं ही टाल सकती हूँ। कौन सी राय? उस लड़की की मदद कर दो। मजा आ रहा है मारने में। आज भी कोई आलू की चाट है, कुछ मजा आएगा। जाता है कि ढूंढ ले? नहीं 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 मैं जाता हूँ। माँ जी ये लड़की अभी लड़ती क्या है? तुमसे मतलब? जाता है कि नहीं? जाता हूँ जाता हूँ। गया? वाह 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 वाह, क्या मजा आ रहा है मारने में। आ रहा है ना? बहुत आ रहा। तो एक एक मैं भी मार लूं? गॉड। हाँ हाँ बेटा सुन, मेरी एक राय माने ना। क्या राय? तुम लोग दिन दबा के भाग जाओ। नहीं भागेंगे। नहीं भागेगा मेरी ऐसी की तैसी। मार खाने में मजा आता है नहीं? शाबाश 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 वाह बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी मैं नो एंट्री। नो एंट्री? देखा बसंती, नो एंट्री अगर एंट्री में ना आ जाते तो तेरी एग्जिट हो जाती। अच्छा जी मैं। अच्छा बेटा अच्छा। ए चश्मा। हाँ। सुनिए। सुनाइए। थैंक यू। यू वेलकम। बासंती, नो एंट्री बड़ा अच्छा लड़का है, मेरी राय माने तो तेरी माँ से बात करूँ नो एंट्री की। ओ आंटी आप तो यूं ही चलिए। अरे बसंती के बच्चे।
जान बच गई। ए रहमान, देख बसंती के बच्चे, अब मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी और ना तेरे कभी फटफटिया पर बैठूंगी। और याद रख, तुझे कभी राय भी नहीं दूंगी। जा यहाँ से, चली जा, चली जा। गुड गुड शॉट, गुड शॉट, वेरी गुड शॉट। आइए आइए। आशा, जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। Many happy returns of the day. आशा से पहचाना? नहीं तो। अरे ये अपना बिल्लू है, बिल्लू। बिल्लू? यानी कि आनंद? हाँ। कितना बड़ा हो गया? बड़ा ही नहीं हो गया, अब तो बहुत समझदार भी हो गया है। और अब तो बहुत बड़ा वकील बन गया है। अच्छा? हेलो मिस्टर नो एंट्री। नो एंट्री? अरे भाई ये नो एंट्री नहीं, मेरा छोटा भाई आनंद। अंकल, इनसे मेरी पहली मुलाकात नो एंट्री में हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। तो भाई साहब, बात ये है कि रास्ते में कुछ बदमाश ने तंग कर रहे थे और मैंने उनकी थोड़ी सी मदद कर दी। यू मीन फाइटिंग? तो ये बताओ, जीत किसकी हुई? हमारी। वेरी गुड, तुम दोनों को ये पहली जीत मुबारक हो। ऐसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कोई तो सिखा दे हमें सलीका, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। करके निभाए आंखों में ये ख्वाब लिए हम, सारे जहां में भटका किए हम, हाय रे दिल की कम नसीबी, हमको दिल मिला न किसी रूप की कली का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कोई तो सिखा दे हमें प्यार का सलीका, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। देखा जुल्फों का सावन, हमने न थामा कोई दामन, लेके चले कोई हमको वहां पर, रहते हैं दिलदार जहां पर, हाय रे दिल की कम नसीबी, हमको तो मिला न पता गली का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कोई तो सिखा दे हमें प्यार का सलीका, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। ये इंजेक्शन आप मंगवा लीजिएगा डॉक्टर साहब, एक बच्ची बेहोश हो गई है।
बुलबुल बुलबुल क्या हुआ इसे? हम स्कूल के बच्चों को पिकनिक पे ले गए थे, बुलबुल खेलते खेलते बेहोश हो गई। सिस्टर एक बार चेक करो। डॉक्टर शर्मा बेबी को फौरन एक्सरे निकालो। क्या हुआ था मुझे? कुछ नहीं बेटे, चलो घर चले। चल मामा। अरे कहाँ गई थी बुलबुल, मैं तो परेशान हो गई। और आप इसके साथ, ये तो पिकनिक पर गई थी, आपको कहाँ से मिल गई? मामा पता नहीं मुझे क्या हुआ, एकदम चक्कर सा आया, फिर कुछ नहीं मालूम। जब होश आया तो देखा पियानो सर मेरे पास खड़े हैं और मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? हाँ, मगर घबराने की कोई बात नहीं, धूप बहुत तेज थी इसलिए इसे चक्कर आ गया। बुलबुल चाहो तुम कपड़े चेंज कर लो। अब भी बदल कर आई? सच सच बताइए क्या हुआ था बुलबुल को? भाई मैंने कहा ना, गर्मी की वजह से बेहोश हो गई थी। ऐसी वैसी कोई बात नहीं, मैंने पूरी तरह चेकअप कर लिया है। चेकअप कर लिया है? आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, सब कुछ जानकर भी आप मुझसे छुपा रहे हैं। अच्छा तो इसका मतलब है तुम जानती हो कि बुलबुल दिल की मरीज है? जी हाँ। तो फिर आज तक तुम क्या करती रही? बुलबुल के दिल में छेद है और तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं। और कुछ नहीं तो सिर्फ डॉक्टर समझ के बता दिया होता, बच्चे तो पराए नहीं होते। आशा आपने आपने बुलबुल से कुछ कहा तो नहीं? आशा तुम माँ हो और मैं एक डॉक्टर हूं। जब माँ होगी तुम उसे कुछ नहीं बता सकी, तो एक डॉक्टर होगी मैं क्या बता सकता हूँ? मैं उसका इलाज तो करा रही हूँ। आशा उसका इलाज दवाइयां नहीं, उसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। और बुलबुल का ऑपरेशन मैं करूंगा, उसे कुछ नहीं होगा आशा, उसे कुछ नहीं होगा। आप बुलबुल को बचा लेंगे? सच? मुझ पर भरोसा रखो आशा, और बुलबुल की सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। बुलबुल चोपड़ा। और बॉय? जी सर। वो हमारा पार्सल भेज दिया? हाँ जी। हाँ सर, अभी लेटर भी जरा पोस्ट कर देना भैया। जी साहब, वो कुछ चाय पानी के लिए। क्या? जी जी। वेरी हैप्पी बर्थडे टू डार्लिंग बुलबुल। थैंक यू दीदी। बुलबुल पापा की चिट्ठी और पार्सल तुम्हारे लिए। पापा की चिट्ठी मेरे लिए? हाँ। हैप्पी बर्थडे टू डियर बुलबुल। मेरे पंख लग गए हैं और मैं अपनी बुलबुल के पास उड़कर आ रहा हूँ। मैं बहुत तेजी से उड़ रहा हूँ। मैं बुलबुल डार्लिंग के पास पहुँच गया हूँ। हैप्पी बर्थडे बुलबुल डार्लिंग। पापा, हाउ स्वीट ऑफ पापा। मामा, आज शाम को मेरे पियानो सर और मेरी सहेलियों की आइसक्रीम पार्टी करें? जरूर, क्यों नहीं। मैं देखती हूँ। मामा तार आया है। तुम्हारे बर्थडे के लिए होगा किसी ना किसी का। क्या बात है मामा, किसका तार है? मामा बॉम्बे से डॉक्टर बेली मोरिया का। पापा बहुत बीमार है, मुझे फौरन बुलाया है। देखो बसंती, घर में शायद 200-300 रुपए ही हैं और आज बैंक हॉलीडे है। तुम जाके आंटी के पास से 500 रुपए ले आना, कहना कि बॉम्बे से वापस आते ही मैं उन्हें वापस कर दूंगी। अच्छा मामा। मामा क्या हुआ पापा को? मां कुछ नहीं,
बेटा, पापा ठीक हो जाएंगे। मुझे बुला है ना, मैं जाके देख आती हूँ। चल। नमस्ते आंटी। नमस्ते की बच्ची, क्यों आई है? उस दिन मुझे इतना सताया था, आज तक मेरे कमर में दर्द है। बंबई से डॉक्टर का तार आया है आंटी, पापा बहुत बीमार है। क्या गोपाल बीमार है? मामा ने आपके पास भेजा है कि। हाँ हाँ समझ गई, राय लेने के लिए। बता क्या राय पूछी है? राय नहीं पूछी आंटी। राय नहीं पूछी है तो फिर? 500 रुपए मंगवाए हैं, मामा को आज ही बंबई जाना है। बंबई जाने के लिए रुपए चाहिए? मेरी राय नहीं चाहिए। अब तो लोगों को मेरे रुपए से प्यार है, मेरी राय की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, न मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए राय है और न रुपए है। हेलो बसंती, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जा रही हो? आज ऐसे स्टाइल का जूड़ा बनाऊंगा, पब्लिक देखती रह जाएगी। मुझे बाल बेचने हैं टिकी, खरीदोगे? क्या कह रही हो? बाल काट लो और दे दो 400 रुपए। अरे नहीं बसंती, आजकल बालों का मार्केट बड़ा डाउन है, ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए दे सकता हूँ। ठीक है जल्दी करो। इसी बात पर मुझे चिढ़ लगती है, ये तुम्हारी लड़की बसंती लड़की है या आफत है? मैं अंदर पैसे लेने गई और ये बाहर फुर। तुम भी कुछ कम नहीं हो बहू, गोपाल की तरह बिना राय लिए मुझसे चली जा रही हो। अरे परदेश का मामला है, गोपाल बीमार है, 500 रुपए से क्या बनता है बोलो? ये लो 1000 रुपया अपने पास रखो, कम पड़े तो फिर मंगा लेना, पैसे की यहाँ क्या कमी है भला है? धन्यवाद दीदी। अरे तू पड़े हट में चल। बेटी बुलबुल बता तू क्यों रो रही है? आंटी पापा बीमार है ना? वो तो मुझे मालूम है, अच्छे हो जाएंगे, तू रो मत। अरे बसंती ये क्या किया तुमने? आंटी से पैसे नहीं मिले मामा, इसलिए मैंने अपने बाल बेच दिए। मेरे बाल पापा से बढ़कर तो नहीं, मगर ये 200 रुपए ही मिले हैं। आप जाने की तैयारी कीजिए मामा। अरे बेटी तू तो मेरा स्वभाव जानती है, मैं तो यूं ही खामखा बिगड़ा करती हूँ, चल रोना बंद कर। अरे बहू जल्दी करना, ट्रेन का समय हो गया। भगवान ने एक और आसानी भेज दी। तार दे ही दिया, मैंने तो उन्हें मना किया था। क्यों? इतनी बड़ी बीमार है, मुझे बताया तक नहीं। मैं तो खुद तुम्हें खत लिखने वाला था। क्या तुम्हारा मेरा रिश्ता सिर्फ खतों का है, कागज और स्याही का, इस दिल का खून का भावनाओं का कोई रिश्ता नहीं? मेरी बात तो सुनो आशा। तुमने अपनी बीमारी मुझसे छुपाई क्यों? क्या मैं तुम्हारी कोई नहीं? जो मेरे कोई नहीं उन्हें सब कुछ पता है, तुम मेरे सब कुछ हो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे मौत का साया तुम्हारे चेहरे पर छाया रहे। लेकिन तुमने मुझे अपने से अलग क्यों माना? पति पत्नी का रिश्ता तो जिंदगी और मौत से बड़ा होता है, होता है ना? हाँ। तो फिर ये रिश्ता तुमने मुझसे क्यों तोड़ लिया? ये रिश्ता कभी नहीं टूट सकता आशा, ये रिश्ता अटूट है, अटूट है ये रिश्ता। मेरे पास आ,
मेरे पास आओ आशा। अरे रोते नहीं पगली, तुम्हारी माँ ने हमें कई दफे सुनाई है, ये ऐसे नहीं है बेटा, ये ऐसे है। आज कराटे की प्रैक्टिस की तुमने? किसके साथ करती? ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना। अब आ जाइए। ना ना। चार कपड़े तैयार हैं। अब भी आया। ना दिन दिन ना ना दिन दिन। अब आ भी जाइए, चाय ठंडी हो रही है। जरा ठहरो। ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना। अब भी आया। डॉक्टरों ने भगवान की शरण पे छोड़ दिया था। मैंने शंकर भगवान की भगवती लाके थी, मरीज ठीक हो गया। हमने भी भगवती ला दी है ना भैया। वो भगवान शंकर के पुजारी को दान दक्षिणा देनी पड़ेगी, 21 रुपए का खर्चा आएगा। एक मिनट, ये लीजिए। अच्छा मैं एक बात मानू, तुम जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बताओ बताओ ना। मेरी मौत की खबर, मेरे बच्चों की उजली जिंदगी में काली रात काली को बिखेर देगी आशा। इसलिए मेरे मौत की खबर उस वक्त तक उनसे छुपा के रखना जब तक उनके सपने पूरे ना हो जाए। दिल की मरीज बुलबुल मेरी मौत का सदमा नहीं सह सकेगी। बुलबुल को जिंदा रखना है आशा, उसे मेरी मौत की खबर ना लगे। उसे अगर कुछ हो गया ना तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी। लेट जाओ ना। इस वक्त जो चीज मुझे भगवान नहीं दे सकता
तुम दे सकती हो, सिर्फ तुम। बोलो क्या चाहिए, मैं करूंगी, सब कुछ करूंगी। मेरी मौत के बाद भी मुझे जिंदा रखना होगा। अपनी मांग का ये सिंदूर मत पूछना, मैं हमेशा तुम्हारे मांग में सिंदूर बन के जिंदा रहूंगा। मेरे मरने के बाद भी तुम सुहागन बन के रहना। बोलो आशा, रखोगी ना मेरी बात, वादा करो मेरे बुलबुल के। बुलबुल के लिए वादा करो। हाँ कहो आशा, हाँ कहो। मेरे और पास आओ आशा, रोना मत आशा, कभी मत रोना। तुम तो आशा हो ना, मेरे बच्चों की आशा, मेरी आशा। अगर आशा ही टूट गई तो सब कुछ टूट जाएगा। सर कितने खुश हैं, लेकिन पापा, पापा कहाँ है? मेरा शो देखने नहीं आए। मैं पापा को लेने जा रही हूँ, मैं पापा को लेने। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते भगवान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सता सता के खुश होते हो तुम ही हो क्या इंसानों जैसे, तब माने भगवान तुम्हें जब जब
मामा बुलबुल बुलबुल मेरी बच्ची मेरी बच्ची मामा हाँ पापा आ गए वो नहीं आ सके बेटी लेकिन लेकिन उन्होंने तुम्हें ढेर सारा प्यार भेजा है और बहुत से खिलौने भेजे हैं मामा पापा ठीक हो गए ना बुलबुल अरे भाई बुलबुल देखो हम क्या लाए हैं तुम्हारे लिए आहिस्ता आहिस्ता ये सब तुम्हारे लिए है बेटे थैंक यू पियानो सर आशा तुम कब आई तुम्हारे पति कैसे हैं अभी अच्छे क्या हुआ था उन्हें कुछ कुछ काम का बोझ था और फिर कभी अकेले रहे नहीं ना बच्चों से भी दूर हो गए पापा हमें बहुत प्यार करते हैं ना पियानो सर बंबई में अकेले रह गए इसीलिए तो बीमार पड़ गए जरा इसे देखिए ना ये आज फिर बेहोश हो गई थी अरे मामा मुझे पापा के पास भेज दो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी मुझे पापा की बहुत याद आती है मामा हर वक्त पापा पापा मैं तेरी कोई नहीं लगती तेरे बिना मैं कितनी अकेली रह जाऊंगी ये नहीं सोचती तू आई एम सॉरी मामा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी बोल हमारे साथ हम तुम्हारा चेकअप भी करेंगे और प्यार भी सिखाएंगे अरे दीदी कहाँ जा रही हूँ अरे बहू शिमला से मेरा जी भर गया है हरिद्वार जा रही हूँ साल डेढ़ साल वहीं रहूंगी लेकिन अपनों से इतनी दूर अकेले कैसे रहोगी दीदी अरे यहाँ मेरा अपना कौन है मेरी राय तो कोई मानता नहीं अच्छा बहू गोपाल को हमारा आशीर्वाद लिख देना और ये खास लिख देना कि मैंने राय देना छोड़ दिया है और तुम भी संभाल के रहना बच्चों के साथ क्योंकि गोपाल घर में नहीं है जमाना बहुत खराब है फिर मैंने राय दे दी अच्छा बहू ट्रेन का टाइम हो गया है अब मैं चलती हूँ नमस्ते जीती रहो जीती रहो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भाई साहब गुड इवनिंग क्यों बिल्लू कहाँ से आ रहे हो जी वो जरा घूमने गया था घूमने गए जी बिल्लू मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो खास बात जी नहीं कुछ खास बात नहीं बस ऐसे ही बस ऐसे ही ऐसे ही वो खास बात नहीं अरे कहो तो हम आशा से बात पक्की कर ले किसकी बात किसकी बात जी तुम्हारी और बसंती की वो मुझे नहीं मालूम भाई साहब आशा आइए मैं आज तुमसे दिल की बात कहने आया हूँ जी हाँ आशा कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें कभी ना कभी कहना ही पड़ता है मैं आपका मतलब नहीं समझी आंखों से देखकर भी नहीं समझी आप कहना क्या चाहते हैं अरे भाई बसंती और अपना आनंद दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं बहुत चाहते हैं एक दूसरे ओ, ये बात है और दोनों मुजरिम बाहर मौजूद है हाँ मेरे साथ अरे भाई सुनिए मिस्टर प्रेमी और मिस प्रेमिका जी आप आशा जी के सामने साफ साफ कह दीजिए कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं बोल दो हाँ भाई सुनो जी मैंने आशा से सारी बात पक्की कर ली आशा तुम्हें मंजूर है ये रिश्ता क्यों नहीं समझ लीजिए मंजूरी है अरे तो बस रहेगी चोपड़ा साहब की बात उन्हें इनकार हो नहीं सकता बस वो आ जाए चट मंगनी पट ब्याह हमारे अनंत की होने वाली प्यारी प्यारी साली जी आप लोगों का अपने जीजा जी के बारे में क्या विचार है कुछ सीरियस लगता है हाँ ठीक है चलेगा चलेगा आनंद चलो चरण छुओ जी जा जी जी जा जी होने वाले जी जा जी
बिस्तर बना लूंगा। पांचवी शर्त तो सुनिए, दीदी जब भी मैं गिर जाएगी तो जल्दी वापस नहीं बुलाओगी। अरे घर वाली बिन घबराया दिल तो साली जी तुमको बुला लूंगा। छठी शर्त तो सुनिए, दीदी की तारीफ सुनो जी। अरे बस बस बस, शादी जरा होने तो दो, जो भी कहोगी मैं मानूंगा। बीवी हो बीवी जी, होने वाले बीवी जी, बीवी हो बीवी जी, होने वाले बीवी जी, बीवी हो बीवी जी, होने वाले बीवी जी, पापा को चिट्ठी लिखी है, थोड़ी जगह बाकी है, आप भी कुछ लिख देना और पोस्ट कर देना। अच्छा बेटी। मामा मैं खेलने जाऊं? जाओ। या पापा, हमने अपने होने वाले जीजा जी को पसंद कर लिया है, वो बहुत अच्छे हैं। हम सब आपको बहुत याद करते हैं पापा, आप जल्दी आइए। बुलबुल बिल्कुल रोते नहीं बेटा। मामा मैंने पापा से कट्टी कर ली है, मैंने दो दो चिट्ठियां लिखी लेकिन एक का भी जवाब नहीं दिया। मैं पापा से कभी बात नहीं करूंगी, ना ही उन्हें चिट्ठियां लिखूंगी। हो सकता है उन्हें फुर्सत न मिली हो, देख लेना एक दो दिन में उनकी चिट्ठी जरूर आएगी। आएगी मामा? हाँ बेटा जरूर आएगी, अब तो सो जा। अच्छा
हेलो गुड मॉर्निंग। नो एंट्री, इसका मतलब आपको किसे मिलना है? अपने मंगेतर से। शादी के बाद? शादी से पहले क्यों नहीं? रिश्वत देनी पड़ेगी। रिश्वत? क्या रिश्वत बोलो? 20 चॉकलेट। 20 चॉकलेट? 20 चॉकलेट देने पड़ेंगे वरना हम मिलने नहीं देंगे। क्यों दीदी, 20 चॉकलेट काफी है ना? कैडबरी वाले मिल्क चॉकलेट बोलिए। हाँ। देंगे कि नहीं? हाँ जरूर देंगे, जरूर देंगे। अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ। आइडिया? हाय। ए, बात नहीं करोगे क्या? देर से क्यों आई हो? देर से आई, दूर से आई, फिर भी मैंने वादा तो निभाया। वादा तो निभाया, तुम्हें सजा मिलेगी, बोल मंजूर है? पहले सजा बताओ। एक मासूम सी पप्पी चाहिए। ले लो पप्पी। ये नहीं। तो? ये वाली नहीं मिलेगी। क्यों? शादी के बाद। कमाल है, सगाई के बाद इसमें कोई बुराई नहीं। नो सॉरी। नहीं दोगी? नहीं दूंगी। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगी। बेशर्म कहेंगी। क्या कहा? बेशर्म। बेशर्म कहा मुझे? बेशर्म, जंगली जानवर। ये सारे इल्जाम। गुड बाय। बड़े प्यारे प्यारे लगते हो ओ जानी, ओ जानी जानी तुम, ओ जानी चाहिए ले लो।
आंधे होने वाले जीजा जी, लगा दे लॉन्ड्री का बोर्ड। होने वाले जीजा जी, चॉकलेट लाए हो? लाया हूँ पर दूंगा नहीं। दीदी से नहीं मिलना है? शादी के बाद। अरे चॉकलेट जा रहे, कुछ करो। चलो। होने वाले जीजा जी, 10 चॉकलेट में दीदी से मिलवा देंगे। नहीं मिलना। अच्छा 5 में? नहीं मिलना। अच्छा 2 में? नहीं मिलना। अच्छा 1 में सही। ओके। How mean? Very mean. आइडिया फ्लॉप। क्यों कह रही हैं आप? गोपाल चोपड़ा का स्वर्गवास हो गया? जी हाँ सर। ओ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बुलबुल चोपड़ा, मामा मेरी चिट्ठी। पापा की होगी? नहीं ये पापा की हैंडराइटिंग नहीं है, लेकिन ये है मेरे ही नाम। तेरे ही नाम है तो खोल ना, देख किसकी है। मामा पापा की चिट्ठी है, पढ़ो तो क्या लिखा है। डियर बुलबुल, तुम्हारा खत मिला। मेरे दाहिने हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई है, इसलिए बाएं हाथ से लिख रहा हूँ। हाउ सैड। नमस्ते मिसेस चोपड़ा। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। आशा बहन, चांद की पूजा करने रिश्ते पे चलोगी या वर्मा साहब के घर पर? जी जैसा आप कहें। अरे हाँ मामा, आज तो करवा चौथ है, ये व्रत तो दीदी को भी रखना चाहिए। रख पगली, दीदी की अभी शादी का हुई है, मामा तो ये व्रत रखेंगे पापा की लंबी उम्र के लिए। तैयार होके हमारे घर आ जाना, वहीं से चलेंगे। अच्छा अच्छा, नमस्ते। बुलबुल, बरखा, आज हम सब मिलके मामा को सजाएंगे। यस दीदी, कम ऑन। मुझे मिसेस चोपड़ा से मिलना है। कहिए, मैं ही मिसेस चोपड़ा हूँ। जी आप ही मिसेस गोपाल चोपड़ा हैं? जी हाँ, मगर आप? मिस्टर चोपड़ा शिमला ऑफिस में मेरे असिस्टेंट थे। अच्छा अच्छा, आप तो मुंबई गई थी ना? जी हाँ गई थी। मुझे अफसोस है मिसेस चोपड़ा। क्यों जी, इसमें अफसोस की क्या बात है, अब वो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है? मैंने तो सुना था कि उनका। जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना था, वो बहुत ही बीमार थे, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। आज ही तो उनका खत आया है, बच्चों को बहुत याद करते हैं। अच्छा, कोई काम था आपका उनसे? जी नहीं, काम तो कुछ नहीं, उनकी सेहत के बारे में पता चला कि वो बीमार थे, मगर आप कहती हैं कि वो ठीक है तो ठीक ही होंगे। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। चले मामा। चले मामा, आप भी चांद देखिए ना। लो आशा बहन। मिसेस चोपड़ा, ये झूठ है कि तुम्हारे पति गोपाल चोपड़ा जिंदा हैं। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि 6 अगस्त को बॉम्बे में उनकी मौत हो चुकी है, और उस वक्त तुम वहां मौजूद थी। तुमने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया था, फिर भी कहती हो कि वो जिंदा है? हाँ कपूर साहब, वो मेरी मांग में सिंदूर बनकर आज भी जिंदा है। ये गोपाल चोपड़ा के जिंदा होने का सबूत नहीं, ये तुम्हारे पागलपन का सबूत है। तुम विधवा हो, ये हम सब जानते हैं। लेकिन विधवा होने के बावजूद मैं एक वचन निभा रही हूँ, अपने पति की आज्ञा का पालन कर रही हूँ, एक पत्नी होने का धर्म निभा रही हूँ। अरे इस औरत की हिम्मत तो देखो, खुलम खुला धर्म का नाश कर रही है और कहती है कि मैं धर्म निभा रही हूँ। आशा देवी, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और के लिए सुहागन बनकर घूम रही है? इतना नीचे गिरने से पहले मैं जहर खा लूंगी। हमारा धर्म और समाज
में सुहागन नहीं, विधवा देखना चाहते हैं। मिटा दो ये बिंदी। नहीं नहीं, ये मेरे पति को दिया हुआ वचन है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं आप सब लोगों से वादा करती हूँ, अपने माथे का ये सिंदूर और बिंदी मैं खुद अपने हाथों से पोंछ डालूंगी जब मेरी तीनों बेटियों के सपने पूरे हो जाएंगे, जब मेरी बुलबुल के दिल का ऑपरेशन हो जाएगा। यही मेरे पति की अंतिम इच्छा थी। तुम्हारे पति की अंतिम इच्छा धर्म और समाज की मर्यादा से बढ़कर नहीं हो सकती। धर्म और समाज की नजरों में ना हो तो ना सही, लेकिन एक पत्नी के लिए अपने पति की अंतिम इच्छा पूरी करना भगवान की आज्ञा से भी बढ़कर है। तुम भगवान के नाम पर धर्म का अपमान कर रही हो, सुहागनों के सुहाग का अपमान कर रही हो, समाज के साथ बगावत कर रही हो, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये औरत ऐसे नहीं मानेगी। श्याम। यस सर। जाओ बुलबुल को ले आओ, हम उसे बता देंगे उसका बाप मर चुका है। जाओ। नहीं नहीं, भगवान के लिए नहीं, मैं आप सबके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पांव पड़ती हूँ। मेरी बुलबुल को कुछ ना कहिए, मेरी बुलबुल को कुछ ना कहिए। उसके बदले में आप मुझे सौ बार मार डालिए, लेकिन लेकिन मेरी बुलबुल को कुछ न कहिए, मेरी बुलबुल को कुछ न कहिए। तुम तो हमारे धर्म और समाज का नाश करने पर तुली हुई हो, हमें तो अपने धर्म और समाज की रक्षा करनी है। अगर तुम्हारी एक बेटी के मर जाने से धर्म और समाज की मर्यादा बच सकती है तो बुलबुल का मर जाना ही ठीक है। मामा, बुलबुल तुम्हारा बाप मर चुका है, तुम्हारी माँ विधवा है, तुम्हारी माँ विधवा है, तुम्हारा जिंदा नहीं है, तुम अनाथ हो, तुम अनाथ हो, तुम अनाथ हो। बुलबुल, बुलबुल, क्या हुआ मामा? तुम ठीक हो ना? हाँ मामा, क्या हुआ? उफ, बहुत बुरा सपना देखा। सपना सपना ही है मामा, सच थोड़ी होता है। हाँ बेटी, लेकिन सपने दो तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे। तुम्हारे पापा के सपने तुम तीनों बहनों के सुंदर सपने हैं, वो पूरे होने चाहिए। जरूर होंगे मामा, पापा को दिया हुआ प्रॉमिस और परिमा से मिला हुआ आशीर्वाद जरूर पूरा होगा। क्या दीदी ने डांस किया, सारा हॉल हिल गया, बड़ा मजा आ गया। अच्छा, मैं देखती हूँ। अब तुम लोग सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मामा। मामा मामा, बंबई से पापा के दोस्त आए हैं। पापा के दोस्त? हाँ। कौन है आप? नमस्ते बुलबुल, जरा शरबत ले आना। तुम यहाँ कैसे? जरूरत आदमी को कहीं भी ले आती। क्या सिंदूर चमक रहा है, वाह! दूसरी शादी कर ली क्या? चुप रहो। रहूंगा, जरूर चुप रहूंगा। दिल की बीमार बुलबुल, प्यारी बच्ची उसे कोई सदमा नहीं पहुंचना चाहिए ना? क्या चाहते हो? चुप रहने की कीमत, जेब खाली हो तो मुंह खुल ही जाता है। भर दीजिए।
सिर्फ 1000। प्यारी बच्ची की प्यारी मम्मी। प्यारी बच्ची। ये लीजिए, ये कागज बुलबुल के पिताजी को दे दीजिए। कागज पूरे हैं ना, बहुत जरूरी है। जी हाँ ठीक है। प्यारी बच्ची, पापा से कहना मैं बहुत याद करती हूँ, जल्दी आए। हाँ जरूर जरूर। प्यारी बच्ची। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो रातो जीवन देता है। मधुबन खुशबू से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मुझे स्टेज पे आकर आशीर्वाद दे। आशीर्वाद
बचपन से ही सीख रही थी। मामा मामा पियानो से हम सबको बाहर खाने पर ले जा रहे, चलो मामा। नहीं बेटा मैं नहीं जाऊंगी, घर में कोई नहीं है ना, तुम तीनों चली जाओ, मैं इन लोगों के साथ घर चली जाऊंगी। अच्छा मामा, चलो दीदी आइए। अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरा ये मुंह बड़ा परेशान कर रहा है, चर्दे को खुलने लगता है, इसे बंद करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। प्यारी बच्ची कहाँ है वो? प्यारी बच्ची ठहरो। आज इसी से काम चल जाए। नहीं नहीं इसे वापस दे दो। प्यारी बच्ची प्यारी बच्ची। दीदी अगर वो बच्चा गिर नहीं जाता तो दीदी रेस जीत ही जाती। और नहीं तो क्या? अरे बुलबुल डार्लिंग, मेरी जीत के किसी की जान से ज्यादा प्यारी है। बिल्कुल ठीक, ये बसंती की हार नहीं बहुत बड़ी जीत है। वही इंसान सही मानों में जीता है जो औरों को जीवन देता है। चोपड़ा साहब घर में है? नमस्ते। कहिए। आपकी बेटी ने एक हरिजन बच्चे की जान बचाकर इंसानियत का काम किया, इसलिए हमारी कॉर्पोरेशन ने बसंती को बेस्ट सिटीजन का खिताब देने का फैसला किया। शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि यह खिताब कल शाम बसंती के पिताश्री के हाथों उसे दिया जाए। लेकिन लेकिन वो लेकिन पापा तो बंबई में, कल कैसे आ सकते? तो फिर यह शुभ काम आप ही के हाथों हो जाए कल शाम को 8:30 बजे। जैसे आपकी मर्जी। मुबारक हो दीदी। हमारी तरफ से भी बधाई हो बसंत। अच्छा इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक हो बसंती। मामा पियानो से कोई खुशखबरी दे? जरूर, क्यों नहीं, चलो दीदी। आज आपके सारे बच्चों के सपने पूरे हो गए, कल आपकी बसंती को हरी सभा में सम्मानित किया जाएगा, आप खुश हैं ना? तो ये तो है। प्यारे बच्ची की प्यारे ममे, तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरे पास भी कुछ नहीं बचा, तो है किसी के आगे हाथ फैलाना हम जैसे इज्जतदार आदमियों को अच्छा लगता है क्या? दे दो मेरे मंगलसूत्र वापस, दे दो।
साजन बिना सुहागा। क्यों चाहते हो तुम? कुछ नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए। 10,000 रुपए क्या प्यारी बच्ची से ज्यादा प्यारे हैं? आपका फंक्शन कल 8:30 बजे है। मैं 7 बजे तक इस पते पर आपका इंतजार करूंगा, नहीं तो फंक्शन में मुझे भी शरीक होना पड़ेगा। वहां आया तो भाषण भी दूंगा। मैं भाषण बहुत जोरदार देता हूँ। प्यारी बच्ची। आपके घर के कागजात तो बिल्कुल ठीक है मिसेज चोपड़ा। तो फिर 10,000 रुपए मिल जाएंगे ना? मिल जाएंगे, लेकिन मकान चोपड़ा साहब के नाम पर है ना, इसलिए उनके दस्तखत जरूरी। लेकिन मुझे तो रुपया आज ही चाहिए, क्या उनके दस्तखत के बिना नहीं हो सकता? लेन देन का मामला है, चोपड़ा साहब के दस्तखत के बिना मैं मर। नमस्कार देवीचंद जी। आइए आइए डॉक्टर साहब, बड़ी मुद्दत के बाद आना हुआ, कैसे हैं आप? अच्छा, आपका ये कैसा बिजनेस चल रहा है? बस शुक्र है भगवान का। मिसेस चोपड़ा भी कोई जेवर बनवाने आई थी क्या? जेवर नहीं जनाब, वो तो बेचारी अपना मकान गिरवी रखने आई थी, 10,000 रुपए की जरूरत है उनको। 10,000? सर ये मंगलसूत्र बेचना है। ये तुम्हारे पास कैसे है? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम सौदा करो सेठ, सौदा। हम ऐसा वैसा सौदा नहीं करते। सौदा नहीं करना तो लाओ मेरा मंगलसूत्र वापस। डॉक्टर साहब मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लगती है, ये मंगलसूत्र तो मिसेज चोपड़ा का है, इसी दुकान का बना हुआ है, मैं तो इसको अच्छी तरह पहचानता हूँ। अच्छा, पुलिस को फोन करूं डॉक्टर साहब? नहीं आप रहने दीजिए, पहले मैं पता करता हूँ कि बात क्या है। आपकी तारीफ? मुझे डॉक्टर राजकुमार कहते हैं। मुझे तो कोई मर्ज नहीं, आपको किस मरीज की तलाश है? मरीज की नहीं, मुझे मिसेस चोपड़ा के मंगलसूत्र की तलाश है। उस मंगलसूत्र से आपका क्या सूत्र जुड़ा हुआ है? बकवास बंद करो और वो मंगलसूत्र मेरे हवाले कर दो। पुलिस को इत्तला कर दी तो सीधे अंदर हो जाओ। ठीक फरमाया आपने, मैं तो अंदर हो जाऊंगा, लेकिन इसके बाद मिसेस चोपड़ा का क्या होगा? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा मिसेस चोपड़ा से ताल्लुक क्या है? आप डॉक्टर मरीज को देखने की फीस लेते हैं ना? आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरी भी कुछ फीस है। क्या चाहते हो? सिर्फ 10,000 मिल जाएंगे। लेके आए? थोड़ी देर में ले आऊंगा। तो फिर जाइए, फौरन लेके आइए। और मंगल सूत्र के साथ मेरे दिल में छुपा हुआ राज भी ले जाइए। डॉक्टर बाबू, ये बात अगर आपस ही में रहे तो अच्छा है, पुलिस तक पहुंची तो बात बढ़ जाएगी। लाल बरे,
अब आएगी जिंदगी पटरे पर। नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करने आया हूँ। मुझसे खून हो गया है। खून? क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, लाश गाड़ी में मौजूद है। श्रीमती आशा चोपड़ा, अब आप अपने हाथों से कुमारी बसंती के सम्मान पर प्यानेसर को पकड़ कर ले गई। हा? क्या? हाँ मामा, प्यानेसर ने खून कर दिया। खून? नहीं मामा, प्यानेसर किसी का खून नहीं कर सकते। बिल्कुल मामा, प्यानेसर किसी का खून नहीं कर सकते। उन्हें बचा लो माँ। बिल्कुल 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 राजकुमार, आप पर कत्ल का इल्जाम लगाया गया है। आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? योर ऑनर, मैं पुलिस के सामने बयान दे चुका हूं कि कत्ल मैंने किया है, और इस वक्त अदालत के सामने भी मैं अपने जुर्म का इकरार करता हूं। भैया, ये क्या कह रहे हैं? योर ऑनर, डॉक्टर राजकुमार का केस मैं लड़ूंगा। लेकिन डॉक्टर राजकुमार ने तो अपना कोई वकील अपॉइंट नहीं किया। तो क्या हुआ योर ऑनर, अगर कोई खुदकुशी करने पर आमादा हो तो कानून का, अदालत का, हम सब का फर्ज बनता है उसे बचाया जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, वकील की जरूरत उसे होती है जो बेगुनाह हो या गुनाह करके सजा से बचना चाहता। मैं बेगुनाह नहीं हूं योर ऑनर, और ना ही सजा से बचना चाहता। मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं। भैया मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे अपने केस की पैरवी करने दीजिए। एडवोकेट आनंद, आप खाम खा अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। आप एक कातिल को बचाने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि कातिल आपका भाई, रिश्ते घर की चार दीवारी में निभाए जाते हैं मेरे अजीज, अदालतों में नहीं। योर ऑनर, इस वक्त मुझे अपनी जान से भी ज्यादा एक मासूम बच्ची की जान की फिक्र है, जो अस्पताल में बेहोश पड़ी, एक एक सांस के लिए मौत से लड़ रही है। योर ऑनर, वो बच्ची दिल की मरीज है, उसका इलाज मैं और डॉक्टर मल्होत्रा मिलकर करते आए हैं। डॉक्टर मल्होत्रा इस वक्त अदालत में मौजूद है। योर ऑनर, मैं भी अदालत से यही अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूं कि अगर उस बच्ची का फौरन ऑपरेशन ना किया गया तो बच्ची मर जाएगी, और इस वक्त शिमला में सिर्फ डॉक्टर राजकुमारी ऐसे सर्जन हैं जो ये नाजुक ऑपरेशन कर सकते हैं। मगर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, आज तक किसी अदालत ने ऐसी इजाजत नहीं दी। मैं जानता हूं योर ऑनर, अगर पहले कभी ऐसा हुआ होता तो इस वक्त मैं अपना हक समझकर अदालत से ये इजाजत मांग सकता था, मगर मेरी तो सिर्फ इल्तिजा है, एक मासूम बच्ची की जान बचाने का मौका मुझे दे दिया जाए। कानून का सर ऊंचा हो जाएगा योर ऑनर, एक मिसाल बन जाएगी दुनिया के सामने कि कानून के सीने में भी दिल होता है जो दूसरों का दर्द महसूस भी कर सकता है और रहम भी खा सकता है। अदालत डॉक्टर राजकुमार को पुलिस की निगरानी में ये ऑपरेशन करने की इजाजत देती है। थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू वेरी मच। Everything ready, doctor? Yes, doctor. Thank you.
थैंक यू डॉक्टर, भगवान ने मेरे वचन की लाज रख ली। मुलजम डॉक्टर राजकुमार के पाली बयान के बाद कानून और अदालत के हाथ बंद गए। मुझे अफसोस है, मुलजम डॉक्टर राजकुमार की मदद ना कानून कर सकता है ना ही अदालत। मुलजम डॉक्टर राजकुमार को जेरे दफा 302 की यह अदालत सजाए हो। मोहतरमा आप कौन? जी मेरा नाम आशा चोपड़ा है, मैं इस कत्ल के बारे में अदालत के सामने सच्चाई बयान करना चाहती हूँ। आपको जो कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आके दीजिए। आशा देवी आप बताइए, आप इस कत्ल के बारे में क्या जानते हैं? नहीं तो सब कुछ जानती हूँ जज साहब, ये खून डॉक्टर राजकुमार ने नहीं मैंने किया है। जिस हथियार से मैंने उसे मारा वो एक हंसिया था जज साहब, जो आज भी सर्कुलर रोड की पुलिया के पास पत्थरों के नीचे दबा हुआ है। उस पर मेरी उंगलियों के निशान और मंगत राम के खून के दाग अभी मौजूद होंगे। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और लेबोरेटरी की रिपोर्ट के मुताबिक यह साबित हो गया है कि खून आशा देवी ने किया है, इसलिए यह अदालत डॉक्टर राजकुमार को बाइज्जत बरी करती है। आशा योर ऑनर, यह एक मुकदमा नहीं, यह त्याग और बलिदान की एक अनोखी कहानी है। मैं जानता हूं कानून आहों और आंसुओं की भाषा को मंजूर नहीं करता, पर कानून कुछ ऐसी कहानियों को जन्म दे जाता है या उनका खुलासा करके रख जाता है जो सदियों सुनी जाती है। श्रीमती आशा चोपड़ा की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है। ये औरत जिसे अदालत सुहागन के रूप में देख रही है, सुहागन नहीं ऑनर, विधवा है। इनकी मांग का सिंदूर और सुहाग की चमकती हुई बिंदी एक विधवा की महानता का जीता जागता सबूत है। यह सिंदूर और बिंदी वो वचन है जो आशा देवी ने अपने मरते हुए पति को दिया था। वो वचन कानून और इंसान से बहुत बड़ा था योनर, क्योंकि वो वचन जिंदगी लेने के लिए नहीं जिंदगी देने के लिए दिया था। वचन पूरा करने की राह का सबसे बड़ा रोड़ा था मंगत राम, जो बॉम्बे के हॉस्पिटल में वार्ड बॉय था जहां चोपड़ा साहब की मौत हुई। वो मंगत राम जो कैंसर से मरते हुए लोगों के दुख तकलीफ और दर्द का ही नहीं उनकी मौत तक का फायदा उठाने से नहीं चुकता था ऑनर, उस मंगत राम को ये राज मालूम था ऑनर। बच्ची पर राज खोल देने की धमकी दे देकर वो आशा देवी को ब्लैकमेल करता रहा, अपनी बच्ची की जिंदगी के लिए और अपने वचन के लिए एक माँ एक पत्नी सब कुछ सहती रही। मंगत राम का मुंह बंद करने के लिए उसे पैसे देती रही, पैसे खत्म हुए तो वो इनके गहने ले गया, यहां तक कि वो इनका मंगलसूत्र भी ले गया, फिर भी उसका मुंह बंद नहीं हुआ। आशा देवी ने अपना मकान तक बेचने की कोशिश की, पर योनर मकान नहीं बिका क्योंकि वो चोपड़ा साहब के नाम पर था। आखिर आशा देवी उस कमीने से अपनी बच्ची की जिंदगी की भीख मांगने गई, एक माँ आंचल फैलाकर रोई गिड़गिड़ाई, मैं तुम्हें अपनी मासूम बच्ची की जान का वास्ता देती हूँ, किसी भी तरह मैं तुम्हें। मुझे पैसा चाहिए। कहा ना दूंगी, हर हाल में दूंगी, 6-7 दिन की नहीं तो 2-3 दिन की मोहलत दे दो। कोई मोहलत वालत नहीं, मुझे पैसा चाहिए और अभी। अब तो ये बकास हो रही है, देखो देखो, अरे देखो।
तो लाल भरे भी खत्म हो गए। अब तो सिर्फ पैसा चाहिए मुझे, पैसा। नहीं दोगे तो फंक्शन में जाकर भाषण दूंगा, सारी दुनिया को बताऊंगा कि विधवा होकर भी सुहागन बने भरती हो, न जाने किसके। प्यारे बच्चे को बताऊंगा कि उसका बाप मर चुका है। भगवान के लिए ऐसा न करना, मुझे भाषण देना है। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे। मैं तुझे भीख मांगती हूँ, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं 10,000 से ज्यादा भी दूंगी, लेकिन भगवान मैं भाषण जरूर दूँ, मैं ऐसा भाषण दूंगा, ऐसा भाषण दूंगा कि तुझे बर्बाद कर दूंगा। मैं भाषण दूंगा, मैं भाषण दूंगा, मैं भाषण जरूर आशा। मैं जानता हूँ आशा देवी ने कानून की नजर में जुर्म किया है, लेकिन बाप नहीं किया है। और वो जुर्म जिसके पीछे बाप नहीं ऑनर, वो कानूनी इंसाफ का नहीं बल्कि इंसानी इंसाफ का हकदार है। इसलिए मैं कानूनी इंसाफ और इंसानी इंसाफ के बीच फर्क करने की अपील करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ ऑनर ये अदालत आशा देवी को बाइज्जत फरी करने का हुक्म देगी। अदालत सारे हालात पर गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि आशा देवी ने कोई पाप नहीं किया, पर कानून की नजर में जुर्म जरूर किया है। इसलिए अदालत आशा देवी को जेर दफा 302 उम्र कैद की सजा देती है। योर ऑनर, मैं अदालत के फैसले की इज्जत करता हूं और अदालत से अपील करता हूं कि इस मुकदमे की मर्सी अपील के लिए अदालत राष्ट्रपति को सिफारिश करे। अदालत आपकी पूरी मदद करेगी। बुलबुल को संभालना। हाँ मामा। मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। खा लो। शाबाश शाबाश। पियानो सर, हमारे राष्ट्रपति जी की भी मम्मी है ना? हाँ बेटा, क्यों? वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ बहुत प्यार करते। तब तो हमारी मम्मी को जरूर माफ कर देंगे। हाँ बेटा, जरूर माफ कर देंगे। अरे क्या खबर लाए हो आनंद? वी हैव डन इट भाई साहब, ये रहा आशा मां के रिलीज का। ग्रेट कितने उपकार किए हैं आपने मुझ पर। घर चलो आशा, बच्चे तुम्हारी राह देख रहे हैं। Thank you.
बेटे, मैंने तेरे पापा को वचन दिया था, इसीलिए। और कुछ मत कहिए मामा, मुझे प्यानो सर ने सब कुछ बता दिया है। वो देखिए, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना खुशता जीना है, जो औरों जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है।